हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक डिडवानिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो है मॉडल ऑर्गेनिज्म में मे और माइट से रिलेटेड। इसके पहले वाले जो क्लास में हमने डिस्कस किया था कैन और कुड के बारे में, आज हम डिस्कस करेंगे मे और माइट से रिलेटेड कंप्लीट जो कन्फ्यूजन और उससे रिलेटेड जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। आज की जो हमारी क्लास है वो काफ़ी यूजफुल है। रीट, SSC, एयरफोर्स, नेवी, NDA, CDS, LDC, RPSC, UPSC एंड अदर जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें टेंस या मॉडल टॉपिक आता है उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडल है इसमें मे। मे का यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, जबकि माइट का जो यूज होता है वो होता है पास्ट टेंस में। इट्स क्लियर? तो सबसे पहले मे, और मे में जो पहला यूज है दैट इज द 50-50% पॉसिबिलिटी। इट्स क्लियर? हमने वीडियो पार्ट थर्ड में इसके बारे में डिस्कस किया था कंप्लीट डिटेल के साथ। लगभग हमने 7-8 जो मॉडल ऑक्सिलरीज है कि कब हम पॉसिबिलिटी के लिए कैन यूज करते हैं, कब मे, कब विल आएगा, कब मस्ट आएगा, उसका डिटेल में स्टडी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको जरूर जाके जो नीचे लिंक दे रखा है उसमें जाके जरूर देखना चाहिए था। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेते हैं इसमें मे। मे में जो पहला है 50-50% पॉसिबिलिटी, या फिर इसको बोलते हैं नेचुरल पॉसिबिलिटी। मतलब जब किसी चीज़ के 50% चांस यस के हों और 50% चांस किसके हों, नो के हों। ऐसी स्थिति में आप इसको समझने के लिए कह सकते हैं कि हिंदी सेंटेंस में जब शायद वर्ड का यूज कर सकें तो आप यूज किसका करेंगे, मे का। और एक और मैं आपको क्लियर देता हूं कि आप यूज कर सके इट इज पॉसिबल का, तो आप क्या लगा सकते हैं, ऐसी स्थिति में आपको यूज करना चाहिए मे का। फॉर एग्जाम्पल, इट ब्लैंक रेन टुडे। इट्स क्लियर कि आज बारिश हो सकती है, अभी एक नेचुरल पॉसिबिलिटी है। 50% चांस होते हैं नेचुरल में कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा ना भी ना हो, तो हम किसका यूज करेंगे, मे का। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहां कहते हैं इट मे रेन टुडे तो इस सेंटेंस का सेंस है इट इज पॉसिबल इट विल रेन टुडे। इट्स क्लियर? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट ब्लैंक रेन टुडे। तो यहां क्या है, आकाश में बादल है, आज बारिश हो सकती है। जो बादलों का होना 50% यस को शो कर रहा है, और बाकी ये क्या है, नेचुरल पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो जरूरी नहीं होती है। आप कहते हैं कि बादल है, शायद बारिश हो सकती है, तो आप किसका यूज करेंगे, मे का यूज करोगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस, दिस न्यूज ब्लैंक बी ट्रू, कि शायद ही न्यूज क्या हो सकती है, सच हो सकती है। आप पॉसिबिलिटी दर्शा रहे हैं, और इन दिस कंडीशन वी शुड यूज मे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। माय अंकल ब्लैंक कम टुडे, आज मेरे चाचा आ सकते हैं। आप ऐसा पॉसिबिलिटी दर्शा रहे हैं, आज शायद आ सकते हैं, कन्फर्म हमें है नहीं। ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। इट्स क्लियर फ्रेंड? इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है दूसरा यूज। सेकेंड जो यूज है वो है टू टेक एंड गिव परमिशन, मतलब परमिशन देने और लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था वीडियो 4 के अंदर। ओके फ्रेंड्स, फॉर्मल जो परमिशन है इसमें काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था, अपन इसको डिस्कस करते हैं मे से रिलेटेड। मे में जो यूज होता है किसके लिए, परमिशन के सेंस में, तो वो यूज होता है फॉर्मल परमिशन के लिए। फॉर्मल परमिशन का मतलब होता है जहां आप परमिशन में क्या करें, फॉर्मलिटी का सेंस ले आए। मतलब परमिशन क्या होता है, सीनियर इन एज या सीनियर इन पोस्ट। मतलब जब आप क्या करते हैं, अपने एज में सीनियर या पोस्ट में सीनियर से जब आप परमिशन मांगते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। और यहां पर क्या होता है, मे का यूज करना ये दर्शाता कि आप काफी फॉर्मल लैंग्वेज काम में ले रहे हैं। कैन यूज करेंगे किसके लिए, इनफॉर्मल के लिए। जब आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कस करते हैं तो आपको यूज करना चाहिए कैन का। ओके फ्रेंड्स, चलो किसका एग्जाम्पल लेते हैं। ब्लैंक आई कम इन सर, अब यहाँ सर्वर्ड लास्ट में दे रखा है, और सर्वर से जो सर्वर्ड है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आप अपने सीनियर से क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, या टीचर से क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ब्लैंक आई यूज योर मोबाइल मैडम, अब जो मैडम वर्ड जो लास्ट में दे रखा है
ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है सेंटेंस में कि आपकी जो लैंग्वेज है वो कैसी है, बड़ी फॉर्मल है। ये शो कर रहा है मैडम, मैडम जो वर्ड दे रखा है उससे, कि आप अपनी एज जो सीनियर इन एज या सीनियर इन पोस्ट से क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। इस स्थिति में आपको यूज किसका करना चाहिए, मे का यूज करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल लेते हैं, ब्लैंक आई टेक योर बुक। क्लियर? क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं? अब यहां कहीं भी ये शो नहीं हो रहा कि इज द फॉर्मल परमिशन कि इनफॉर्मल परमिशन। इट्स क्लियर? ऐसी स्थिति में आप यहां मे भी लगा सकते हैं और कैन भी लगा सकते हैं। चलो परमिशन के सेंस में मैं आपको एक चीज और मे के सेंस में लेना चाहूंगा कि वहां तो अभी हमने डिस्कस किया था परमिशन लेने के लिए अगर फॉर्मल परमिशन है तो आप यूज करते हैं मे का, और अगर इनफॉर्मल परमिशन है तो आप यूज करते हैं कैन का। लेकिन जब हम परमिशन क्या करते हैं, देते हैं, मतलब टू गिव परमिशन, परमिशन देने के लिए आप कैन का भी यूज करते हैं और मे का भी यूज करते हैं, दोनों यूज किए जाते हैं। लेकिन आजकल क्या है, अमेरिकन इंग्लिश के इफेक्ट से ज्यादातर हम क्या करते हैं, ऐसे वाक्य में जब हम किसी को परमिशन देते हैं तो मे की बजाय कैन का यूज करते हैं। लेकिन हम मे का यूज भी किया जाता है और कैन का यूज भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सेंटेंस है, ब्लैंक आई आस्क ए क्वेश्चन सर। अब यहाँ सर्वर दे रखा है और आप परमिशन मांग रहे हैं कि सर क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। अब इसका जो रिप्लाई आएगा, जो जवाब आएगा, या तो येस में आएगा या फिर नो में आएगा। तो आप इसका आंसर क्या दोगे? आप या तो कहोगे येस यू में, या फिर क्या कहेंगे, मना करोगे तो नो यू मैन। क्लियर? अब आप यहाँ कैन भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि कैन नहीं लग सकता, पर ज्यादातर यह है कि अगर मे से पूछा गया है तो रिप्लाई ज्यादातर मे में ही दिया जाता है। यहां जो मे है वो मे का जो सेंटेंस है उसमें सेंस होता है परमिटेड या अलाउड का। मतलब इसको एग्जांपल से समझते हैं, मे आई कम इन सर। इट्स क्लियर? तो इसका आपने जवाब दिया येस यू मे। अब यहां येस यू मे का मतलब है यू आर परमिटेड या यू आर अलाउड टू कम इन। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर। ओके फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर तीसरा यूज। ओके फ्रेंड्स, हमने जो तीसरा जो यूज हम डिस्कस करें, दैट इज द पर्पस, मतलब उद्देश्य। जब हम उद्देश्य की बात करते हैं, प्रयोजन की बात करते हैं, हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि जब आप किसी चीज का पर्पस बताते हैं या फिर उद्देश्य बताते हैं तो हम दो मॉडल काम में लेते हैं, या तो मॉडल काम में लेते हैं मे, या फिर मॉडल काम में लेते हैं माइट। अगर प्रेजेंट टेंस है तो हमें यूज करना चाहिए मे का, और अगर पास्ट टेंस है तो हमें यूज करना चाहिए माइट का। आपकी हेल्प के लिए एक चीज मैंने बताई थी पहले भी कि अगर दो सेंटेंस किससे कनेक्टेड है, सो दैट से, इन ऑर्डर दैट से, या दैट से कनेक्टेड है, तो आगे या तो मे आएगा या फिर क्या आएगा, माइट आएगा। अगर प्रेजेंट टेंस है तो यूज करना चाहिए मे का, और अगर पास्ट टेंस है तो यूज आएगा माइट का। अभी हम माइट में इसको वापस डिस्कस करेंगे, इसलिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि वी ईट सो दैट वी ब्लैंक लिव। हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। तो हमारे खाने का जो पर्पज है वो क्या है, वो है जिंदा रहना। सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है, सो दैट से, और पहले वाले सेंटेंस में क्या दे रखा है, ईट दे रखा है। ये किसको शो कर रहा है, ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। अगर यहाँ एट होता तो पास्ट होता, और पास्ट होता तो हम माइट लगाते, पर ईट प्रेजेंट है, सो दैट से कनेक्ट है, इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे मे का। एक और सेंटेंस लेते हैं, ये भी आया हुआ एग्जाम्पल है कि वर्क हार्ड सो दैट यू ब्लैंक पास। क्लियर? सो दैट का सेंटेंस है और आप पर्पस बता रहे हैं कि वर्क हार्ड का जो पर्पस है वो क्या है, एग्जाम पास करना, इसलिए आप यहां किसका यूज करेंगे, मे का। माइट क्यों नहीं किया, क्योंकि कहीं से पास्ट का सेंस नहीं शो हो रहा। चलो लेकर एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी एग्जाम्पल आया हुआ है कि वी वेयर वार्म क्लॉथ्स इन विंटर इन ऑर्डर दैट वी ब्लैंक नॉट कैच कोल्ड। मतलब हम क्या करते हैं, सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि हमें ठंड ना लग जाए। अब आपको मालूम है यहाँ पर्पस किससे हो रहा है, इन ऑर्डर दैट से, और पहले सेंटेंस में क्या दे रखा है, वेयर दे रखा है, जो प्रेजेंट को शो कर रहा है, और प्रेजेंट पर्पस में हमें यूज करना चाहिए किसका, मे का। अगला यूज लेते हैं दोस्तों इसके अंदर मे का, दैट इज नंबर फोर। हम मे का यूज करते हैं विश, ब्लेस, कर्स,
होप, फैथ, ये सब शो करने के लिए, मतलब जब हम किसी के लिए दुआ करें, आशीर्वाद दें, किसी को श्राप दें, ये सब जब हम काम करते हैं तो इन सब के लिए एक सेंटेंस जो जनरली यूज किया जाता है दैट इज द ऑप्टेटिव सेंटेंस, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है मे का, और इसको पकड़ना काफी इजी होता है। ऐसे सेंटेंस के लास्ट में आपको जनरली एक्सक्लेमेटरी मार्क्स मिलेगा। इट्स क्लियर? चलो इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं। ये जो भी मैं एग्जाम्पल आप डिस्कस करूँ ये लगभग एग्जाम्पल प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ब्लैंक यू लिव लॉन्ग, मतलब ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो। हम किसी के लिए क्या कर रहे हैं, सामने वाले के लिए हम प्रे कर रहे हैं, हम उसे ब्लेस दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसके लास्ट में आप देख पा रहे हैं सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, और ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ब्लैंक गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें बरकत दे, अपना आशीर्वाद दे। अब ये भी क्या है, हम किसी को ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क है। इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, और इन दिस सेंस वी यूज मे। नेक्स्ट, ब्लैंक यू हैव ए हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ। हम ब्लेस कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में इस सेंटेंस में भी किसका यूज होगा, मे का ही यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ब्लैंक ही गो टू हेल, मतलब भगवान करे वो क्या करे, नरक में जाए। हम किसी के लिए बद्दुआ कर रहे हैं, मतलब उसको कर्स कर रहे हैं, और कर्स करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ब्लैंक यू सक्सीड इन लाइफ, आप अपने जीवन में क्या हो, सफल हो। हम क्या कर रहे हैं, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, और विश कर रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे मे का। मैं सोचता हूँ मे के सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में पूरी तरह से क्लियर है। अब हम यूज करते हैं किसका, माइट का। माइट का जो पहला यूज है वो है पास्ट ऑफ मे, मतलब मे का पास्ट टेंस। फ्रेंड्स आप जानते हैं कैन, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, कैन का पास्ट टेंस होता है कुड, विल का पास्ट होता है वुड, सेल का पास्ट होता है सुड, और वैसे मे का जो पास्ट होता है वो होता है माइट। अभी एग्जाम्पल में कैसे आएगा, चलो इसको समझते हैं। एग्जाम्पल देखो, ही सेड टू देम इनवर्टेड कोमा इट ब्लैंक रेंट टुडे। अब ये सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन का है, और आगे वाले सेंटेंस में क्या हो रही है, नेचुरल पॉसिबिलिटी शो हो रही है। अभी हमने मे में डिस्कस किया था कि बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना है, हम किसका यूज करेंगे, यहाँ यूज होगा मे का। अगर इसी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करें तो ये सेंटेंस बनेगा, ही टोल्ड देम दैट इट ब्लैंक रेन, टुडे चेंज होता है दैट डे में। ऐसी स्थिति में अब चूंकि क्या हो गया, टुडे चेंज हो गया दैट डे में, तो जो वर्ब है वो भी चेंज हो जाएगी, तो मे नहीं यूज ना होकर यहाँ किसका यूज होगा, माइट का यूज होगा। ये दोनों एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम में काफ़ी बार पहले पूछे गए। तीसरा जो एग्जाम्पल है ये भी प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि मिस्टर अनिल टोल्ड हर दैट द न्यूज़ ब्लैंक बी ट्रू। अब यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट मे, सेकंड कैन, थर्ड विल, फोर्थ माइट। अब आपको मालूम है टोल्ड दैट लगा रखा, मतलब सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन का न होकर क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन का है। और आप जानते हैं डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम मे, कैन, विल का यूज यहाँ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेंटेंस क्या हो जाता है, ऐसी स्थिति में ये प्रेजेंट का यूज नहीं कर सकते, पास्ट फॉर्म ही यूज होगी, इसलिए यहां केवल किसका यूज होगा, माइट का यूज होगा। ओके फ्रेंड्स, अगला जो माइट का यूज आता है सेकंड, दैट इज द रिमोट पॉसिबिलिटी या रियर पॉसिबिलिटी। आप कोष्टक में देख पा रहे हैं फ्यूचर लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो पहला जो माइट का यूज है दैट वाज द पास्ट ऑफ मे, यहाँ कौन सा टेंस शो होता है, यहाँ शो होता है पास्ट टेंस। जबकि जो सेकंड यूज है रिमोट पॉसिबिलिटी और रेयर पॉसिबिलिटी, इसमें हम कौन से टेंस की बात करें, हम यहाँ बात डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर टाइम की। ओके फ्रेंड्स, मतलब रेयर पॉसिबिलिटी या फिर रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है जब किसी चीज के बिल्कुल न के बराबर संभावना हो, मतलब जब आपको लगे कि किसी चीज के 1 से लेकर 10% चांस क्या है, यस के हैं, मतलब 90 से 99% जब चांस किसके हों, नो के हों, ऐसी स्थिति में हमें यूज करना चाहिए किसका, माइट का। चलो इसको एग्जांपल से लेते हैं। ही ब्लैंक विन रुपीज 5 लाख इन लॉटरी।
वह लॉटरी में क्या कर सकता है, 5 लाख रुपए जीत सकता है। अब लॉटरी में 5 लाख रुपए जीतना लगभग क्या हुआ, बिल्कुल कम चांस, क्योंकि 5 लाख की राशि बहुत बड़ी राशि होती है। और ऐसी स्थिति में हम यहाँ क्या नहीं लगा सकते, मैं नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं में तो क्या होता है, 50, अभी हमने डिस्कस की थी 50-50% पॉसिबिलिटी की बात होती है। इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, माइट का। चलो एक एग्जांपल और है, जो भी एग्जाम, ये भी प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है कि सी ब्लैंक विन रुपीज 15 करोड़ इन कौन बनेगा करोड़पति। सी क्या कर सकती है, कौन बनेगा करोड़पति में 15 करोड़ रुपए जीत सकती है, ऐसी हम पॉसिबिलिटी दर्शा रहे हैं। और आप जानते हैं सबसे टॉप प्राइज है, और ये क्या होते हैं, बहुत कम रेयर चांस होते हैं, मतलब जितने पार्टिसिपेंट होते हैं उनमें हजारों में कोई एक दो व्यक्ति होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। इसलिए चांस कितना हुआ, एक बिल्कुल रेयर चांसेज हो गए, और ऐसी स्थिति में हमें यूज करना चाहिए किसका, माइट का। नेक्स्ट यूज करते हैं द स्काई इज क्लियर, या वो एग्जाम्पल ये भी, द स्काई इज क्लियर नाउ इट ब्लैंक रेंट टुडे। अब इस सेंटेंस में क्या दे रखा है दोस्तों, इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर आकाश तो बिल्कुल क्लियर है और हम बात कर रहे हैं फिर भी बारिश हो सकती है, ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर। तीसरा जो माइट का यूज आता है, दैट इज द पर्पस, जो हमने अभी मे में डिस्कस किया था कि पर्पस के लिए मे और माइट दोनों का यूज करते हैं। इसमें टेंस कौन सा होता है, ध्यान देना, ये पास्ट टेंस के लिए काम में आएगा। अगर पर्पस प्रेजेंट में है तब तो लगेगा मे, और पास्ट में अगर पर्पस को शो करते हैं, उद्देश्य को शो करते हैं, तो हमें यूज करना चाहिए किसका, माइट का। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि ही वर्कड हार्ड सो दैट ही ब्लैंक गेट गुड मार्क्स। अब आप यहाँ देख रहे हैं दोनों सेंटेंस किससे जुड़े हैं, सो दैट से जुड़े हैं, और पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें क्या लगा हुआ है, उसमें वर्ड लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट फॉर्म लगी हुई है, मतलब क्या हो गया, पास्ट के लिए पर्पस को शो करने के लिए आप यहाँ किसका यूज करेंगे, आप यूज करेंगे माइट का। आई थिंक इट्स क्लियर। एक और लेते हैं, ही डाइड सो दैट अदर्स ब्लैंक लिव। ही मर गया काय के लिए, ताकि दूसरे क्या रह सके, अन्य जीवित रह सके। तो उसके मरने का जो पर्पस था ये था कि अन्य लोग, वो तो मर जाए लेकिन दूसरे क्या रहें, जिंदा रहें। लेकिन यहाँ डाइड वर्ड दे रखा है और सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है, सो दैट से जुड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में आप किसका यूज करोगे, माइट का यूज करोगे। ओके फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सी टुक मेडिसिन सो दैट सी ब्लैंक गेट वेल। सी दवाइयाँ लेती है और दवाई लेने का पर्पस क्या है, कि वो ठीक हो सके। और ऐसी स्थिति में हमें किसका यूज करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए माइट का, बिकॉज टुक यहाँ किसको शो कर रहा है, पास्ट को शो कर रहा है। इट्स क्लियर। चलो इसका एक और एग्जांपल, अगला जो नेक्स्ट यूज है, दैट इज द परमिशन विथ हेजिटेशन। अभी हमने बात की थी फॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन के मे का यूज, अब हम बात करें परमिशन विथ हेजिटेशन, मतलब जब आप परमिशन लेते हैं और उसमें आप में बहुत ज्यादा हेजिटेशन है, बहुत हिचकिचाते हुए आप परमिशन लेते हैं, ऐसी स्थिति में जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आपको लगेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। लेकिन सेंस कैसा होता है, परमिशन का होता है, साथ ही साथ हेजिटेशन का सेंस होता है, तो आप यूज करोगे माइट का। फॉर एग्जांपल, माइट आई यूज योर टेलीफोन, माइट का यूज यहां पर, अगर आप यहां मे लगाते हैं, कैन लगाते हैं, तो वो नॉर्मल परमिशन के लिए काम में आ रहा है, फॉर्मल इनफॉर्मल परमिशन को शो करेगा। लेकिन जैसे आप यहां पर क्या करते हैं, माइट का यूज करते हैं, तो माइट किसको शो करेगा, ये शो करेगा परमिशन विथ हेजिटेशन। परीक्षा में ज्यादातर ये स्टेप से आता है कि ही सेड टू हर विथ हेजिटेशन, फिर ब्लैंक दे रखा है, आई आस्क ए क्वेश्चन। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां हेजिटेशन वर्ड क्या दे रखा है, आपको दे रखा है, और हेजिटेशन वर्ड देने के कारण से आप यहां किसका यूज करोगे, आप यूज करेंगे माइट का। मैं समझता हूँ ये यूज भी आपके पूरी तरह से क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो हमने आज डिस्कस किया मे और माइट से रिलेटेड, मैं समझता हूँ पूरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको आज का वीडियो काफ़ी ठीक लगा, अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए मॉडल्स के साथ।